हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाउज मेथड। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एक्सरे है इसको आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ यूज़ है। तो देखिए, ये जो एक्सरे है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका पता लगाया जा सकता है। यानी ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन, हम यहाँ पर ये जो हेडलाइन डली हुई है एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ये एक्सरे होती क्या है, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो एक्सरे कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है, जो कुछ भी है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसका पता लगाया जा सकता है किसकी हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से। तो इस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं लाउज मैथड। ये जो लाउ थे इन्होंने 1912 में एक सजेशन दिया, वैल्यूएबल सजेशन दिया, और इन्होंने बोला कि इफ़ अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स और द आयंस। इन्होंने बोला कि अगर कोई क्रिस्टल लार्ज नंबर में एटम्स और आयन को कंसिस्ट करता है, तो अगर उस क्रिस्टल पर रेज डाली जाती हैं, रेज को फॉल किया जाता है उस क्रिस्टल के ऊपर, तो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम से। यानी एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से वो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, वेव नेचर की वजह से होता है ऐसा। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ लाउ ने इतना बताया, उन्होंने एक वैल्यूएबल सजेशन दिया था 1912 में कि अगर कोई क्रिस्टल बहुत सारे लार्ज नंबर में एटम्स और आयंस को कंसिस्ट करता है, तो उस पर अगर रेज डाली जाती है तो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंट टाइप्स के, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स से। यानी एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट लेयर से जो रेज है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, वेव नेचर की वजह से होता है। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने सिर्फ इतना बोला। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट में लाउ ने बोला, लाउ ने देखा कि एक्सरे आर अलाउड टू पास थ्रू क्रिस्टल। अगर एक्सरे को किसी क्रिस्टल से पास कराते हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ओप्टेन, तो उन्होंने देखा कि अगर जो एक्सरेज हैं उनको अगर किसी क्रिस्टल से पास कराया जा रहा है, किसी क्रिस्टल के थ्रू एक्सरेज को अगर पास कराया जा रहा है, तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। उन्होंने ऐसा देखा, यानी लाउ कह रहे हैं, लाउ ने क्या देखा, उन्होंने ये बताया। लाउ ने देखा कि अगर किसी क्रिस्टल से एक्सरेज को पास करवाया जा रहा है, तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल पैटर्न। यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है जब किसी क्रिस्टल से एक्सरेज को पास करवाया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला उसकी हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन बता सकते हैं, और मॉलिक्यूल या फिर आयन जो भी है उसकी पोजीशन को बताया जा सकता है किसी भी क्रिस्टल पैटर्न में। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जो एक्सरे है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो उसका यूज़ किया जाता है किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए। अब लाउ ने क्या बताया, लाउ ने बताया कि उन्होंने ऐसा देखा कि जब उन्होंने किसी क्रिस्टल पर एक्सरे को, किसी क्रिस्टल से एक्सरे को पास करवाया, तो उन्होंने देखा कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न उनको मिला। उन्होंने देखा कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसकी हेल्प से उन्होंने मॉलिक्यूल और आयंस की जो पोजीशन है उसका पता लगाया। उन्होंने ऐसा बताया कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला उनको, यानी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा था, उसकी हेल्प से किसी भी क्रिस्टल पैटर्न में, यानी कोई भी क्रिस्टल पैटर्न हो सकता है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उनकी क्या पोजीशन है, इसका पता किसकी हेल्प से लगाया जा सकता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दे देता है उसका पता कि वो किस जगह पे कौन सी पोजीशन पर है। ये चीज़ें कौन बता देता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बता देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसा कि लाउ ने बताया कि उन्होंने एक्सरे लिया और एक्सरे को एक लेड स्लिट से उन्होंने गुजारा। एक्सरे को लेड स्लिट से गुजारने के बाद उन्होंने एक्सरे को किस पे डाल दिया, यहाँ पे क्रिस्टल के पास आ गया। अब ये जो एक्सरे है वो क्रिस्टल से गुजर कर जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो लेड स्लिट से होकर के जो एक्सरे है वो क्रिस्टल के पास आई, और जब इस एक्सरे को क्रिस्टल से गुजारा गया तो देखा गया कि यहाँ से जो बीम है, जो यहाँ से बहुत सारी ये जो लाइट्स जा रही हैं, जो रेज जा रहे हैं, इनका जो बीम है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिर रहा है। यानी फोटोग्राफिक जो प्लेट है उस पर फॉल हो रहा है ये जो इमर्जेंट बीम है।
तो उन्होंने देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये जो बीम गिर रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसके ऊपर ये छोटे छोटे से क्या हैं, स्पॉट्स हैं। यहाँ पर डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसमें जो डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसी डिफ्रेक्शन पैटर्न की हेल्प से किसी भी क्रिस्टल पैटर्न में मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो पोजीशन है उसका पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, ये जो हम फोटोग्राफिक प्लेट ही बात कर रहे थे, तो ये जो फोटोग्राफ है वो कंसिस्ट करता है एक सेंट्रल स्पॉट को, इसमें एक सेंट्रल स्पॉट को कंसिस्ट करता है वो, जो कि किसकी वजह से अराइज हुआ है, तो विच अराइजेस ड्यू टू अनडेविएटेड बीम, यानी कुछ बीम उस पर ऐसे आए, जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर कुछ बीम ऐसे आए जो कि अनडेविएटेड थे, तो अनडेविएटेड बीम की वजह से क्या हुआ, एक सेंट्रल स्पॉट वहाँ पर अराइज हुआ। ठीक है, ये जो सेंट्रल स्पॉट है वो बहुत सारे स्पॉट से सराउंडेड है, बहुत सारे स्पॉट से घिरा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि बहुत सारे स्पॉट्स थे उस फोटोग्राफिक प्लेट में और एक सेंट्रल स्पॉट था। तो जो सेंट्रल स्पॉट है वो बहुत सारे स्पॉट से सराउंडेड है, और जो स्पॉट सेंट्रल, जो बहुत सारे स्पॉट्स हैं वो किसकी वजह से आए, क्योंकि सेंट्रल स्पॉट तो हमने देखा, सेंट्रल स्पॉट किसकी वजह से आया, जो अनडेविएटेड बीम है उसकी वजह से एक सेंट्रल स्पॉट अराइज हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल स्पॉट है उसके चारों ओर भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जो कि मैंने डायग्राम में आपको शो किए थे। तो जो बहुत सारे स्पॉट्स हैं सेंट्रल स्पॉट को छोड़ करके, वो किस वजह से आए, तो वो आए विच अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट डिफ्रैक्टेड बीम्स, यानी बहुत सारे वहाँ पर जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिफ्रैक्टेड बीम्स थे उनकी वजह से वो जो स्पॉट्स हैं वो अराइज हुए हैं। उसके बाद देखिए, फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ स्पॉट्स ऑन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, देखिए वहाँ पर जो आपने फोटोग्राफिक प्लेट देखी, फोटोग्राफिक प्लेट पे आपने देखा कि वहाँ पर जो अरेंजमेंट है स्पॉट्स का, स्पॉट्स का जो अरेंजमेंट है ऑन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोला जा रहा है उसको, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स का जो अरेंजमेंट है उसकी हेल्प से हम क्या लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से हम आइडिया लगा सकते हैं मॉलिक्यूल, किसी भी क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल या फिर आयंस है उनकी पोजीशन का। तो यही था लाउज मेथड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।